कोई नहीं चलता, कोई नहीं चलता, तुम्हारे यहाँ चलता होगा, ये उत्तर प्रदेश है, आज पूरा देश ये उत्तर प्रदेश है, 80 सीट है यहाँ पर, यही राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है, यहाँ की पुलिस भी अलग है, यहाँ का माहौल भी अलग है, यहाँ ये कुछ नहीं होता, यहाँ तो कानून के हिसाब से काम, तुम्हारे यहाँ की पुलिस तो हमारे यहाँ होमगार्ड। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। एसएससी जीडी 2018 के छात्र जो नागपुर से दिल्ली तक पैदल मार्च कर रहे थे, अब वो जब यूपी में घुसे हैं तो उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, उनको किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, वो वीडियो दिखाऊंगा कि एक पुलिस वाला कैसे कहता दिख रहा है कि बाबू ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ 80 सीटें हैं, और साथ ही कह रहा है कि आपके राज्य की पुलिस यानी कि दूसरे राज्य की पुलिस मतलब होमगार्ड है, वो वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले समझिए, आज आपके लिए वो सारी बड़ी खबरें, छोटी छोटी खबरें हैं, लेकिन वो सारी खबरें हैं जो गोदी मीडिया आपसे छिपा देता है और जो आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, सबसे पहले ये वीडियो देखिए जहां पर एक यूपी के दरोगा एसएससी जीडी 2018 के छात्रों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, इनको सुन लीजिए। कोई नहीं चलता, कोई नहीं चलता, तुम्हारे यहाँ चलता होगा, ये उत्तर प्रदेश है, आज पूरा देश ये उत्तर प्रदेश है, 80 सीट है यहाँ पर, यही राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है, यहाँ की पुलिस भी अलग है, यहाँ का माहौल भी अलग है, यहाँ ये कुछ नहीं होता, यहाँ तो कानून के हिसाब से काम, तुम्हारे यहाँ की पुलिस तो हमारे यहाँ होमगार्ड। तो सुना आपने संजय शर्मा, उन्होंने ट्वीट किया यूपी के इंस्पेक्टर साहब का फरमान, ये यूपी है, यहाँ 80 सीटें, यहाँ कानून भी अलग और माहौल भी अलग, नौकरी की बात कहने को हाथ में तिरंगा लेकर 1100 किलोमीटर पैदल यात्रा करने वाले नौजवानों को समझा रहे हैं दरोगा जी। सुना है ढाबे के लोगों से खाना पानी देने को भी मना कर दिया गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरफ अगर आप कांवड़ उठाते हैं तो आप पर पुष्प वर्षा होती है, वहीं दूसरी तरफ आप अपने पेट के लिए, रोजगार के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए मार्च करते हैं तो आपको इस तरीके से डराया धमकाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, यूपी का हाल है। देखिए, इसके अलावा जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों की संख्या 4% है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के नेता है, जिनका मानना है कि जो बेरोजगार है वो सिर्फ 4% है, बाकी सब पे रोजगार है, तो इनके हिसाब से हुआ कि देश में आज सिर्फ 4% रोजगार की जरूरत है, लेकिन ये लोग वो भी नहीं दे पा रहे हैं। और ये देखिए, यूपी में जिस तरीके से मुसलमानों के साथ ट्रीट किया जा रहा है, दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, और नफरत ऐसी है कि जो आपका दोस्त भी है, जो आपका उस्ताद है, जो आपको पढ़ाता है, नफरत की घृणा में सिर्फ इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, टीचर की पिटाई से 9वीं कक्षा के मुस्लिम छात्र की मौत, घर में छाया मातम। यूपी में कन्नौज के छिबरामऊ के कसावा चौकी के पास आरएस इंटर कॉलेज में शिव कुमार की घड़ी गायब हुई, उसने 9वीं के छात्र दिलसाद को पूछताछ के लिए कमरे में बुलाकर बर्बरता से पीटा। अब देखिए, अगर शिव कुमार जी की घड़ी गायब हो भी गई थी तो क्या सिर्फ ये जो मुस्लिम छात्र था इसी पर शक था, और शक भी था तो इसको मारा क्यों? और इसके अलावा पुलिस का बयान आया है, और स्कूल की तरफ से बयान आया, उनका कहना है कि ये लड़का बीमार था, तो फिर तो और शर्म वाली बात है कि आपने एक बीमार लड़के को इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई, जबकि इसके घर वालों का कहना है कि उनका बच्चा एकदम स्वस्थ था, लेकिन इन लोगों ने बंद कमरे में इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, यूपी में ये हालात है, और इनके जो पिता है उनका आरोप है कि अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई है। तो यूपी में आप मुसलमानों को मारते रहिए, आपकी कहीं सुनवाई होने वाली नहीं है, ना आपको आपके खिलाफ FIR दर्ज होगी, ना आपको थाने में ले जाया जाएगा, आप आजाद घूम सकते हैं। देखिए, अबू बकर सब्बाक है, उन्होंने ट्वीट किया है, यही यूपी में सरकार द्वारा 2020 से 22 में हिरासती मौत का आंकड़ा दिया गया है, उत्तर प्रदेश प्रथम प्रदेश है, ये मौत पुलिस टॉर्चर से होती है, लेकिन हमारे देश का कानून और न्यायपालिका मौन है। ये देखिए, ये जो आंकड़े हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो पुलिस कस्टडी में मौत होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। देखिए, 2020 और 21 में मौतें हुई थी 451, और 2021-22 में ये आंकड़ा बढ़कर 501 हो चुका है, और इसमें जो मरने वालों की तादाद है वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, और ये किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा ये देखिए, जो छात्र की मौत हुई है उस पर काविश अजीज ने लिखा है, घड़ी गायब हुई तो पूछताछ के लिए 14 साल के दिलसाद को टीचर शिव कुमार ने पूछताछ के लिए बुलाया,
और फिर इतना पीटा कि वो मर गया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के छिबरा मऊ के आसपास इंटर कॉलेज का मामला। और ये देखिए, गांव की लड़कियां स्कूल नहीं जाती, तू क्यों जा रही है? एमपी के शाजापुर जिले में ऊंची जाति के दबंगों ने दलित छात्रा को स्कूल जाने से रोका, किताबें छीनी, लड़की के भाई के विरोध करने पर पूरे परिवार को लाठी डंडों से मारा। ये वीडियो आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जहां पर दलित परिवार के परिवार पर हमला किया जा रहा था, क्योंकि उनकी बच्ची जो है वो स्कूल जा रही थी और जो दूसरे समाज के लोग हैं उनकी बच्चे स्कूल नहीं जा रही थी। तो छात्रों को, खासकर जो महिलाएं हैं, उनको पढ़ने से रोकने के लिए भी किस तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। और ये देख सकते हैं कि जो जातिवाद है, मनुवाद है, वो किस तरीके से दलित पिछड़े आदिवासियों पर हमले करता है। और इस छात्रा का बयान सुन लीजिए, किस तरीके से उन लोगों ने इसके भाई पर हमला किया और इसको स्कूल जाने से रोका। मैं स्कूल से घर आ रही थी तो तीन लड़के खड़े थे वहाँ की जगह, माखन, कुंदन और धर्मेंद्र सिंह। उन्होंने हमारा बैग छीन लिया और बोले कि हमारे गांव से कोई स्कूल जाते, तुम क्यों जाते हो स्कूल, तुम्हें भी नहीं पढ़ने देंगे हम। इतने में मेरा भाई आया, उसने देख लिया, उसने चिल्ला चोट करी और उसने हमें बचाया तो उसको तीनों ने मारा। तो सुना आपने, मामला यही नहीं, मध्य प्रदेश में तो एक से एक खबर है। ये देखिए, वैक्सीन लगाने के लिए एक ही इंजेक्शन मिला तो उसी से लगा दिए 30 बच्चों को कोविड का टीका। मध्य प्रदेश में एक ही इंजेक्शन से, एक ही सुई से 30 बच्चों को जो है कोविड 19 की वैक्सीन लगा दी गई है। आप अंदाजा लगाइए कि कैसे ये लोग काम करते हैं और भ्रष्टाचार का लेवल कहां तक है। और ये उसके पिता की बात सुन लीजिए, जहां पर कन्नौज में एक छात्र को मार दिया गया था, उनके पिता किस तरीके से बयान कर रहे हैं, सुन लीजिए। स्कूल जाके इन्हें लोगों ने मेरे बच्चा को इतनो मारो। किसने किसने पीटा था? प्रभाकर और शिव कुमार और एक और है विवेक, इन्हें तीन लोगों ने एक डेढ़ घंटा बंद करके मेरे बच्चा की दोनों। तो सुना आपने, और ये देखिए, अगर कोई मुसलमान इसमें लिप्त होता या शामिल होता या उसका नाम भी आ जाता, फिर आप देखते कि गोदी मीडिया किस तरीके से पूरे मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार ठहराती और हिंदू मुस्लिम करती। ओम थानवी ने ट्वीट किया है, क्या अब भी किसी को उदात्त हिंदू धर्म और इस दौर के उग्र हिंदू में फर्क नजर नहीं आता है? कांवड़ियों में संघर्ष, फौजी को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। आप समझिए, कांवड़ियों ने एक फौजी को, फौजी की हत्या कर दी गई है, लेकिन इस पर सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि इसमें जो लोग शामिल है, जिन्होंने मारा है, वो लोग, सरकार यही चाहती है कि ये लोग इसी तरीके से सड़कों पर आवारा रहे, रोजगार के लिए सवाल ना करें। एक फौजी को मार दिया गया है, लेकिन इनके घर पर ना बुलडोजर चलेगा, ना एनएसए लगेगा, ना इनकी गिरफ्तारी होगी। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, इस तरीके के हालात है। अगर वही कोई मुस्लिम इसमें शामिल होता तो अब तक पूरा उसका घर ढा दिया जाता, बुलडोजर चला दिया जाता, पता नहीं क्या क्या, और उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है एनएसए यूएपीए लगाकर। और ये देखिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, किस तरीके से महिलाएं पीने का पानी लेकर अपनी जान जोखिम में डालती हुई नजर आ रही है। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी आदिवासी महिलाएं इस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर पानी लेकर जाती है और नदी, चलती हुई नदी को पार करती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए, तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी जी के पोस्टर को, पोस्टर पर कालिख पोत दी गई है। आज उनका तमिलनाडु दौरा है, जहां पर ये विरोध देखने को मिला है और गो बैक मोदी का सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चल रहा है। और इसके अलावा ये देखिए, संसद में 22 करोड़ रोजगार के लिए एप्लीकेशन आए थे, लेकिन सरकार ने सिर्फ 7 लाख लोगों को रोजगार दिया है, जिससे आप अंदाजा लगाइए, सरकार का आंकड़ा है, सरकार ने कुछ संसद में ये जवाब दिया है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज देश में सबसे ज्यादा, पिछले 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है जो रोजगार दर है, वो सबसे ज्यादा, पिछले 44 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि रोजगार को लेकर इतनी तंगी आई हो कि रोजगार दर जो है इतनी बढ़ चुकी है। पिछले 44 साल में ये पहली बार हुआ है, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में। और ये देखिए, मध्य प्रदेश की एक और वीडियो, हरदा जिले में छात्राएं जान जोखिम में डालकर स्कूल जाती है, नदी का बहाव देखिए और उसमें छात्रा जो है सड़क पार कर रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर कोई दुर्घटना हो गई, अगर ये गिर गई है, इनको पानी, नदी बहा ले गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन सरकार, जो मामा है शिवराज मामा, वो अपना जो है वाहवाही लूटते रहते हैं। तस्वीरें बता रही है कि मध्य प्रदेश में कैसे हालात है। और ये देखिए,
दुनिया की पहली पोर्टेबल सड़क, जिसको आप अपने हिसाब से कहीं भी मोड़ सकते हैं, रख सकते हैं, ले जा सकते हैं, उस पर आपको चलना नहीं पड़ेगा। ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर है यूपी के कन्नौज की, जहां पर सड़क टूटी हुई है और सड़क इस तरीके से मुड़ी हुई है कि आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। उस पर भगत राम ने ट्वीट किया है, इसराइल के सहयोग से भारत में पहली बार पोर्टेबल सड़क का उद्घाटन हो गया। ये सड़क पोर्टा रोड तकनीक से बनी है, जिस तरफ जाने वाली गाड़ी आती है इस सड़क को उठाकर उसी डायरेक्शन में रखा जा सकता है। तो आप अंदाजे लगा सकते हैं, देखिए ये सड़क जो है पोर्टेबल है और आप इसको अपने हिसाब से कहीं भी मोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, ये देखिए लोग कह रहे थे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो था बना था वो धस गया। दरअसल वो धसा नहीं था, वो मोदी जी के सामने नमस्तक हो गया था, ऐसा सोशल मीडिया पर लिख रहे। इसके अलावा वो भोपाल में भी जो हाईवे बना था वो भी धस गया था, और गुजरात का ये देखिए गड्ढों वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये मोदी जी का विकास है, जो जहां पर मोदी जी कह रहे थे कि विकास के लिए मैं हर जगह तो नहीं जा सकता लेकिन हम ड्रोन से नजर जरूर रखेंगे। तो ये सारी खबरें थी कि आज देश में हालात क्या है और मीडिया आपको क्या दिखा रहा है। और मोदी जी तमिलनाडु के दौरे पर है, जहां पर उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।